जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। नमस्कार जी। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल? ठीक ठाक? वालेकुम सलाम। हाँ जी, हालत ठीक है। आप सुनाइए, कैसी है आपकी हालत? बस बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यात्रा का क्या है प्रभु जी आपकी बार? वो बोल रहा है इस बार तो नहीं है, कैंसिल हो गया। पता नहीं भैया क्या है। नहीं नहीं अभी कंफर्म नहीं पता, जब शाइन बोर्ड का आएगा जब पता चलेगा। अच्छा हाँ जी, ठीक है। तो बहुत टेंशन हो रही है ना आजकल? हाँ टेंशन तो होगी है, पूरे साल कमाते हो आप तो उसी से काम चलता है ना। उसी से काम चलता है, एक महीने हम कमाते हैं। हाँ यही बात हम भी समझते हैं आने से पहले। चलो हमारे भी बाबा जी के दर्शन के लिए एक साल में एक बार ही मौका मिलता है, पर इसके साथ साल आपको भी साल में एक बार ही मौका मिलता है कमाने का। एक ही बार मिलता है ना साल में। सरकार को ये सोचना चाहिए ना कि टूरिज्म भी बढ़ता है, हम यात्रियों के आने से भोले बाबा के भक्त आएंगे तो आपको आपको भी काम मिलेगा, खाना भी खाएंगे, टेंटों में भी रुकेंगे, कुछ शॉपिंग करके भी जाएंगे, है ना। हाँ तो ये सब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि लोगों को रोजगार भी मिलता है तो यात्रा जरूर होनी चाहिए, हम तो यही कहते हैं ना। अभी तो 2 साल से हो गया कुछ भी नहीं है। हाँ 2 साल हो गया कुछ भी नहीं है, तो कैसे काम चल रहा होगा बेचारों का, रोजगारों का, है ना। जिनके घोड़े पिट्ठू वाले हैं उनके बहुत मुश्किल हो रही होगी ना मेरे भाई। बहुत मुश्किल हो रही है भाई, बहुत मुश्किल हो रही है। तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट को भी कहा है, बीजेपी वाले भी कह रहे हैं, शिवसेना वाले भी कह रहे हैं, कई और हिंदू संगठन है वो भी कह रहे हैं कि यात्रा जरूर कराओ, है ना। हाँ जी हाँ जी। आपकी गवर्नमेंट को भी पता है वहाँ पे कि गवर्नमेंट बंदे आएंगे जब भी खर्चा पानी निकलेगा, है ना। ना खच्चर को खिलाने के लिए भी पैसा नहीं होगा तो फायदा क्या उस चीज का? अब फिर क्या, कुछ फायदा ही नहीं है, लॉकडाउन भी हो रही है। और मौसम कैसा है वहाँ पे अभी? मौसम आज बहुत धूप लग रही है, बहुत गर्मी है। और तैयारी व्यारी कुछ बोला आपको करने के लिए? अभी बोल रहे थे एक 2-4 दिन पहले ही। हाँ बोल रहे थे कुछ वैक्सीन करने हैं, जो पिट्ठू वाले हैं, घोड़े वाले हैं। हाँ इनको वैक्सीन करनी है। अच्छा ऐसा बोला है? हाँ बोला था एक दो बार, पता नहीं आज फिर बोल रहा था फिर कैंसिल हो गया। अभी ये शाइन बोर्ड का एक मीटिंग होना है, हम भी उसी का वेट कर रहे हैं, जब वो मीटिंग हो जाएगी उसके बाद फाइनल हो जाएगा। ठीक है तो मीटिंग कब हो जाएगी? कोई पता नहीं है यार, कोई कहता शनिवार को होगी, कोई कहता सोमवार को होगी, कल शाइन बोर्ड में बात हुई तो कह रहे 3-4 दिन में होगी, तो कुछ नहीं कह सकते अभी इसके बारे में। अच्छा 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 ठीक है। अच्छा घर में सब ठीक है, बच्चे बच्चे ठीक है? कृपा है ऊपर वाले की। तो अच्छा, यहाँ तो आना ना पहलगाम में आना। हाँ आऊंगा, मैं सोच रहा हूँ यात्रा हो तो अच्छी बात है, यात्रा के लिए आए, अब क्या करें, है ना। पिछली बार भी यात्रा नहीं हुई, उसके बाद मैं आया था बीच में पहलगाम। हाँ जी चलो बाबा चाहेंगे तो यात्रा जरूर होगी इस बार, है ना। यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब के वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द और सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।